Good morning, students. As you have learned, present tense, all kinds of present tense, passive voice of all kinds of present tense, and we have started past tense, and yesterday you learned past indefinite tense, and today we are going to learn past continuous tense, passive voice of past continuous tense. सारी बातें ऑलरेडी बताई जा चुकी है कि पैसिव वॉइस का बनावट जिस प्रकार प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में था, सब्जेक्ट एवी या बीइंग भी थी, तो सिर्फ इसमें वाज वेयर ही अंतर है, बाकी सब वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वाला ही नियम है. बीइंग भी थी और बीइंग स्पेशली याद रखेंगे, क्योंकि बीइंग हमेशा हर कंटिन्यूअस टेंस में हम बीइंग लिखेंगे, पैसिव वॉइस में, चाहे वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, अर्थात जो भी कंटिन्यूअस टेंस आएंगे उसमें बीइंग जरूर हम लिखेंगे. इस बीइंग को एकदम याद रखने वाली बात है, और ये एक टेक्निक है कि कंटिन्यूअस टेंस में बीइंग लगता नहीं है, इसको बिल्कुल दिमाग में रख लेना है, आत्मसात कर लेना है. ये कॉमन बातें जो है दिमाग में पैसिव वॉइस में रखने वाली है. तो उस प्रकार देखेंगे, मुझे परेशान किया जा रहा था, आई वॉज बीइंग वेक्स्ड, खेत जोते जा रहे थे, द फील्ड वॉज बीइंग प्लॉट, उसे तंग किया जा रहा था, ही वॉज बीइंग वेक्स्ड, मुझे गाली दी जा रही थी, आई एम बीइंग अब्यूज्ड, यह किया जा रहा था, दिस वॉज बीइंग डन. इन सच ए वे यू कैन फ्रेम ए लॉट ऑफ सेंटेंस. देयर इज नो नीड टू टेल यू टू डू होमवर्क, बिकॉज क्योंकि साथ ही साथ मैं साइमल्टेनियसली वर्क भी, होमवर्क भी देते जा रहा हूं. यह होमवर्क है आपका, इस पर आधारित आप सेंटेंस बनाएंगे. फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिस प्रकार प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोगों ने इंट्रोगेटिव सेंटेंस सीखा, उसी प्रकार पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे. तो उसमें भी जिस तरह से एमी जार पहले था, उसी प्रकार वाज वेयर इसमें होगा, सब्जेक्ट नॉट. और एक बात और ख्याल रखने वाली है कि नॉट अगर हमको समझ में नहीं आता है तो हम वाज वेयर के साथ भी जोड़ सकते हैं, यह गलती नहीं माना जाएगा. प्लस बीइंग प्लस वी थ्री प्लस अदर वर्ड्स, जैसे क्या उसे पीटा जा रहा था, वाज ही बीइंग बीटेन, क्या तुम्हें पढ़ाया जा रहा था, वेयर यू बीइंग टॉट, क्या तुम्हारी मदद की जा रही थी, वेयर यू बीइंग हेल्प्ड. इन सच ए वे यू कैन फ्रेम ए लॉट ऑफ सेंटेंस. नाउ डब्ल्यू एस क्वेश्चन, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, व्हाट, वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वी थ्री प्लस अदर वर्ड्स, उसे क्यों नहीं खिलाया जा रहा था, why were they, why was, sorry, why was, why was he not being fed. In such a way you can frame a lot of sentence by means of WH question. उसे क्यों तंग किया जा रहा था? Why was he being beaten? मुझे क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा था? Why was I not being taught? In such a way you can frame a lot of sentence. इसी के साथ